नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जॉशरी में। दोस्तों, आज की नई वैकेंसी जो है वह है मिधानी कंपनी की तरफ से। ये वैकेंसी है, ये मिधानी जो है वह एक लिमिटेड कंपनी है दोस्तों, और ये जो है मिधानी वह धातु लिमिटेड कंपनी है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है 2020 की। इसमें दोस्तों ऑल इंडिया कैंडिडेट जो भी हैं, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई पास कोई भी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की आपकी ना ही कोई एग्ज़ाम होगी और ना ही किसी तरह की आपकी जो है वो एग्जामिनेशन फी ली जाएगी। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है 2020 की। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप इस वैकेंसी के लिए अगर एलिजिबल होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देख के इस वैकेंसी को अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये शायद आपका जो है वो आखिरी चांस हो सकता है इस जो है कंपनी में इस वैकेंसी को लेकर। तो पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, और सबसे पहले मैं आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलूँगा, जहाँ पे आपको बारी बारी से सारी जानकारी दे दूँगा दोस्तों। अब दोस्तों, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल जो है वह नोटिफिकेशन है, और ये मिधानी का जो है वह लोगो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी जानकारी भी वैसे मिल जाएगी, बट मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो आपको इस जो है कंपनी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये वैकेंसी जो है वह आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए जो है, जो कि अप्रेंटिस पोस्ट के लिए यहाँ पे निकली है। यहाँ पे फीटर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिस्ट और टर्नर और वेल्डर के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। और यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट वाइज जो है वह नंबर ऑफ़ वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे लास्ट डेट जो है वह फॉर्म अप्लाई करने का, फिलअप करने का जो है वह 16 अक्टूबर 2020 दी गई है। ये वैकेंसी जो है फॉर्म भरना स्टार्ट है, अगर आप 6 तारीख को अगर देख रहे हैं तो आप समझिए कि आपके पास सिर्फ अब 10 दिन बची है, जो कि 16 अक्टूबर को जो है इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। तो उससे पहले आप लोग इस वैकेंसी को भर लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, कहा गया कि सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है, प्रोसेस है, वो आपकी सिर्फ जो और सिर्फ जो है वो देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है ऑब्टेंड इन जो आईटीआई एनसीवीटीसी अगर है तो उसके आधार पे आपकी ली जाएगी। और साथ में जैसे आपका और कोई और कैंडिडेट का एक्चुअल मार्क अगर होता है तो आपका जो वहाँ पे एज जो है और क्वालिफिकेशन जो है वह कैटेगरी और के आधार पे जो है लिया जाएगा, उस हिसाब से आपकी यहाँ पे मेरिट की जो है वह बनाई जाएगी। तो इस आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है। और ये कुछ कुछ जो है वह इंसिलेशन जो यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। और ही मैं आपको बता दूँ, ये जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, और साथ में जो है इसका डेट भी जो है वह 2 अक्टूबर को जो है ये लॉन्च की गई थी, इशू की गई थी, रिलीज की गई थी ये जो है नोटिफिकेशन। और 2 अक्टूबर से यहाँ पे जो है वह ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, और 16 अक्टूबर है उस दिन इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। सैलरी के बारे में दोस्तों यहाँ पे कुछ जानकारी नहीं दी गई है। एज जो है काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 18 से लेके 25 वर्ष तक की है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें जॉब लोकेशन की, कि अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करते हैं और आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको यहाँ पे जॉब जो मिलेगी वह मिलेगी, यहाँ पे देख सकते हैं जो बताया गया है आपका वह हैदराबाद में, ठीक है। ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं वह कंपनी नेम है, और यहाँ पे जो है जिस जगह की है वह हैदराबाद की है। और आपको यहाँ पे जो है वह टाइम भी दे दिया गया है, और यहाँ पे सारी जानकारी दे दी गई है। तो अगर आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, और सैलरी भी इसमें काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिलेगी आप सभी की। और सबसे अच्छी बात है, ये कंपनी जो है वह जो देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था मिधानी का है, ये एक जो है वह हार्डवेयर बनाती है कंपनी, और ये जो है वह इंटरनेशनल कंपनी है। और आपको मैं बता दूँ, इसकी प्रोडक्ट जो है DRDO या हम कहें भारत सरकार के हर एक जो है वह डिफेंस लेवल पे जो भी हथियार बनती है उसमें इसकी जो है यूज की जाती है। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी आप लोगों को, अगर एलिजिबल होंगे तो इस वैकेंसी को ज़रूर अप्लाई कीजिए, और इस वीडियो का आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।